हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यम केसरी एंड आई वाज ए बीएचयू एस्पिरेंट। मैंने वॉज वर्ड का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरा इस वक्त बीएचयू निकल चुका है, तो मैं अब कोई एस्पिरेंट नहीं रहा। मेरा गारंटीड हो गया है एक हिसाब से कि मुझे एडमिशन मिलेगा। और ये वीडियो हमने बनाया है, एक थैंक्स गिविंग वीडियो है नितेश सर के लिए। नितेश सर जिनके बिना मेरा बीएचयू निकालना इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल, जिन्होंने खुद भी मेहनत करी बच्चों को निकलवाने के लिए और मेरी मेहनत तो थी। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एज आई टोल्ड यू माय नेम, आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन बीएससी फाइनल ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड आई हैव गिवन द बीएचयू एग्जामिनेशन एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक ऑल इंडिया रैंक 8 एंड ईडब्ल्यूएस रैंक 2 इन बीएचयू एमएससी फिजिक्स एग्जामिनेशन। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई crack BHU examination and in cracking that examination I really need very much help। अब वो हेल्प मुझे नितेश सर से मिली। हम सबसे पहले आपको ये बता देना है कि नितेश सर से मतलब मेरी पहचान हुई कहाँ से। ऐसा है, हमने आई हैव गिवन IIT जैम examinations जिसमें मेरा नंबर कम था, क्रैक पास हो गए थे, कट ऑफ क्लियर कर दिए थे, लेकिन मुझे NIT मिला था। तो मेरे लिए गैप करना एक साल का कोई रास्ता नहीं था, हमको गैप करना ही नहीं था। एंड सेकंड थिंग कि आई रियली नीड टू क्रैक सम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU एंड देन BHU। मैंने काफ़ी सर्च किया, क्वेश्चंस के बारे में सर्च किया कहाँ से मिलेंगे। फिर हमको एक दिन टेलीग्राम चैनल पे नितेश फिजिक्स चैनल हमको मिला। नितेश फिजिक्स चैनल ज्वाइन करने के बाद पूरी समझ लीजिए कि जितने एंट्रेंस की तैयारी जिस हिसाब से हम करते थे, मैं करता था, पूरा वे ही बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट सेवरल फील्ड्स ऑफ क्वेश्चंस, कि हर जगह हर एक टाइप का डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम इजी टू टफ एवरीथिंग ए स्टूडेंट नीड, नितेश सर वो कराते थे। नितेश सर रेगुलरली टेलीग्राम पोल टेस्ट कराते थे एंड द रीज़न बिहाइंड पोल टेस्ट, द गुड रीज़न बिहाइंड पोल टेस्ट दैट इट मेक्स योर थियोरी पार्ट वेरी गुड एक्सेलेंट। पोल टेस्ट में जो थियोरी पार्ट्स बीएचयू में पूछे ही आते थे, तो वो उसके वजह से नितेश सर के ये स्टेप की वजह से पोल टेस्ट से हम लोग का थियोरी भी स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड देवर रेगुलर टेस्ट लाइक मंथली टेस्ट, 10 क्वेश्चन टेस्ट, फुल पार्ट टेस्ट, क्वार्टर टेस्ट, मेनी मच मोर। जो अदर इंस्टीट्यूट से आप फीस लेना चाहें वो लोग फीस लेंगे तब जाके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन नितेश सर प्रोवाइडेड इट एब्सोल्युटली फ्री एंड दैट्स वेरी जनरस ऑफ नितेश सर। एंड देन पॉइंट्स क्या थे, की क्या थे बीएचयू में इतना अच्छा रैंक लाने को, कि पहला लॉकडाउन जैसे कि स्लोगन निकला था कि आपदा को अवसर बना देना, तो 5 months वर वेरी क्रूशियल फॉर मी। एंड आफ्टर गिविंग AU प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बाद हमारे लोग का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जब तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं लगा था, तो क्या होता था कि AU के एग्ज़ाम से जस्ट 15 ही दिन बाद मेरा BHU का एग्ज़ाम होना था। अब जब मैंने BHU का सिलेबस खोला, आई फाउंड दैट कि मेनी टॉपिक्स दैट वर नॉट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वॉज आल्सो इज आल्सो आस्क्ड इन BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पहला ये 5 month का जो पीरियड था लॉकडाउन में वो बहुत ज़रूरी था। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग इज गाइडेंस हमको कहाँ से मिलता, हम इसके लिए काफ़ी सर्च किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वॉज नॉट एबल टू गिव मी सच कॉन्फिडेंस। इसके लिए मैंने नितेश सर का क्लास ज्वाइन किया था, हिज गाइडेंस, हिज मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड हिज इंकरेजमेंट टू, जो हर एक जगह हेल्प करते थे, प्लस उनके ग्रुप में ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए चाहे जिस लेवल का, वो कहीं ना कहीं से वो सॉल्व होके चला ही आता था। उसको कहते हैं ग्रुप सॉल्विंग होता था एंड मैनी मच थिंग्स दैट अ स्टूडेंट नीड फ्रॉम ए टीचर। नितेश सर इज़ अ परफेक्ट मैन फॉर अ टीचर अ स्टूडेंट मस्ट फाइंड। आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मेरी इतनी सलाह है, और जो ये वीडियो देख रहा है
मेरे लिए भी उनकी इतनी ही सलाह है कि आप प्लीज़ नितीश सर का ज्वाइन करें क्लासेस, उनके दिए हुए क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करें। स्टार्टिंग्स में आपको कुछ दिक्कत होगी, जैसे हमको होती थी, हम बीएचयू का एग्ज़ाम देते थे तो मतलब नितीश सर के क्वेश्चंस पाते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते थे, तो 120 क्वेश्चंस में से मुझसे 55-50 मतलब बॉर्डर लाइन पे था, उसमें भी एरर हो जाती थी। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए नितेश सर के जो क्वेश्चंस थे एकदम परफेक्टली मैच होते हैं बीएचयू एंट्रेंस पेपर्स के लेवल भी। नितेश सर जान उसका थोड़ा सा भी कुछ कुछ पेपर्स में हाई देते थे ताकि बच्चे और सही भी था डरें, ताकि और मेहनत करें जो करना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। नितेश सर वॉज परफेक्टली हेल्पफुल फॉर मी एंड मैं ऐसा करता हूँ कि उनसे जल्द ही मैं बीएचयू कैंपस में मिलूँ एंड आई शो माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम। देन इनफ माई ड्रीम इज़ ओवर, मुझे बीएचयू में एडमिशन मिल रहा है जा रहा है फाइनली इतने महीनों की मेहनत के बाद, और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। सो थैंक यू नितीश सर, वेरी वेरी मच थैंक यू। एंड बिसाइड दैट ऑल द प्रेयर्स एंड विशेस फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई आपसे होप लगाता है तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपना 100% दें और उनके होप को बिल्कुल ना तोड़ें। सो थैंक यू नितेश सर, थैंक यू माई फैमिली, थैंक यू माई फ्रेंड्स। आई होप जो भी ये वीडियो देखेगा वो आगे और शेयर करेगा ताकि कोई दूसरा बच्चा भी बीएचयू का एस्पिरेंट जो हो वो अगले साल निकाल ले और अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले ले। थैंक यू वेरी मच।